हाय दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसा राज्य भी है जो हमारे देश की एक दिन के लिए राजधानी बना था, बट क्यों? और एक ऐसा जीव भी है जिसकी त्वचा बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह कार्य करती है। मैं हूँ आपकी फैक्ट वाली दीदी, लेकर आ गई हूँ ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर पहला, दोस्तों आपको पता ही होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन आपको पता है 1858 में इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शहर में ब्रिटिश राजशाही को राष्ट्र का शासन सौंपा था। फैक्ट नंबर दूसरा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण के बाद इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंदौर में चौथी बार यह खिताब हासिल किया। फैक्ट नंबर तीसरा, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना गुप्तकालीन कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह वर्तमान बिहार में स्थित है। फैक्ट नंबर चौथा, दोस्तों आप बिना पानी पिए कितने दिन तक रह सकते हैं? एक दिन, दो दिन या फिर हफ्ते भर? मैं आपको ऐसे जीव से मिलाना चाहती हूँ जो अपने जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता। ऐसा जीव कंगारू रेट है। यह चूहे की एक प्रजाति है जो बहुत ही छोटा होता है। यह नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। यह जीव कभी पानी नहीं पीता, ये केवल बीज खाते हैं और उसी से पानी प्राप्त करते हैं। दोस्तों इनका मेटाबॉलिज्म इस प्रकार बना होता है, इन्हें पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर पाँचवा, दोस्तों भारत में एक ऐसा गाँव है जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा गाँव है। इस गांव का नाम गहमर है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां की पॉपुलेशन 1,20,000 से भी अधिक है, इसीलिए इसे सबसे बड़ा गांव माना गया है। फैक्ट नंबर छठवा, भारत का पहला व दुनिया का तीसरे नंबर में सबसे बड़ा डायनासोर म्यूजियम व पार्क गुजरात में महीसागर जिले में स्थित है। यह 121 एकड़ की भूमि में बना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 36 साल पहले अर्थात 1983 में यहीं डायनासोर के जीवाश्म व उनके अंडों के जीवाश्म पाए गए थे। फैक्ट नंबर सातवा, शहद ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन और एंजाइम्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। लेकिन दुकान में मिलने वाला रेडीमेड शहद, इसकी एक्सपायरी डेट सुनिश्चित कर दी जाती है, क्योंकि उसमें अन्य चीज़ों की भी मिलावट होती है जिससे शहद खराब हो सकता है। फैक्ट नंबर आठवा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जम्मू कश्मीर में स्थित माउंट केटू है, जिसे कॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,611 मीटर है। इसी को नेपाल में सागरमाथा और चीन में चोमोलुमा के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर नौवा, चीन के शहर सिंग नाइंग चू में आसमान में 3 या 5 सूर्य देखे जाते हैं। घबराइए मत, यह एक खगोलीय घटना है या ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसे बर्फ प्रभामंडल या सनडॉग फिनोमिना के नाम से भी जाना जाता है। बादल के ऊपर छोटे छोटे बर्फ कणों के कारण सूर्य की प्रभामंडल वलय बनाकर चमकता है। इसी से सूर्य का अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनकर दाएं बाएं दिखाई देने लगता है, जिसके कारण एक सूर्य के स्थान पर 3 या 5 सूर्य दिखाई देने लगते हैं। फैक्ट नंबर दसवां, भारत का पहला प्राइवेट इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज में है। यह स्टेशन PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। फैक्ट नंबर 11, माचिस का आविष्कार ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन वॉकर के द्वारा 31 दिसंबर 1827 में किया गया था। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों आपने बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ ग्लास के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे जीव से परिचित कराने जा रहे हैं जिसकी त्वचा बुलेट प्रूफ की तरह कार्य करती है। इस जीव का नाम आर्मडिलो है। यह अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाने वाला एक स्तनधारी है जो थोड़ा सा खतरा महसूस होने पर भी अपनी त्वचा को समेट कर छोटा कर लेता है। फैक्ट नंबर 13, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत देश में है। सरला ठकराल यहाँ की प्रथम महिला पायलट थी। इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में 1936 में एविएशन पायलट लाइसेंस प्राप्त किया था। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, हमारे चैनल फैक्ट वाली दीदी को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
फैक्ट नंबर 14, दोस्तों आपने रेड कलर का एप्पल खाया होगा, येलो कलर का एप्पल खाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का एप्पल भी खाया होगा, लेकिन हम आपको ब्लैक कलर के एप्पल के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, गहरे बैंगनी रंग के एप्पल को ब्लैक डायमंड एप्पल कहते हैं। यह तिब्बत की पहाड़ियों पर मुख्य तौर पर उगाया जाता है। दिन में मिलने वाली ढेर सारी सूर्य की किरणों के कारण यह बैंगनी कलर का हो जाता है, जो ब्लैक की तरह दिखता है। इसकी कीमत 500 पर सेब होती है। खाने में यह शहद से भी ज़्यादा मीठा और टेस्टी होता है।